हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष मीणा, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड। मार्केट में साइडवेज मूवमेंट के साथ वॉलीटिलिटी जारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, जहां लास्ट वीक निफ्टी और सेंसेक्स अराउंड 1% के गेन के साथ बंद होने में कामयाब रहे। मेटल स्टॉक्स कुछ करेक्शन के बाद फिर से चमकते नजर आ रहे हैं, जहां लास्ट वीक निफ्टी मेटल इंडेक्स अराउंड 3.5% के गेन के साथ बंद हुआ। डेटा की बात करें तो FIS की तरफ से बिकवाली का रुख जारी है। लास्ट वीक उन्होंने अराउंड 2700 करोड़ की बिकवाली की, जो एक चिंता का विषय है। हालांकि DIS की तरफ से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने लास्ट वीक अराउंड 4700 करोड़ की खरीदारी की। FIS का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 80% पर है, जो ओवरबॉट टेरिटरी में। वहीं पुट कॉल रेशियो 1.2 के लेवल पर है, जो एक कंफर्टेबल लेवल है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी को 15,900 पर इमीडिएट हर्डल है। इसके ऊपर निकलता है तो हमको फर्दर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां 16,000 एंड 16,200 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। नीचे की ओर 20 डे मूविंग एवरेज, जो अभी 15,720 पर है, इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे फिसलने पर ही हम किसी कमजोरी की उम्मीद कर सकते हैं, जहां पर 15,450 टू 15,335 क्रिटिकल डिमांड जोन रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, और ये 35,000 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इमीडिएटली 35,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलने पर फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जहां 36,500 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। नीचे की ओर अब 35,000 इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जबकि 34,000 एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट वीक के क्यूज की बात करें तो ग्लोबल मार्केट का मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। US मार्केट में एक करेक्शन के बाद फिर से तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस बीच US बॉन्ड डील्स और डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। FIS का बिहेवियर भी देखना होगा, क्योंकि मार्केट की इस तेजी में उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ग्लोबली कई कंट्रीज के PMI नंबर्स भी आएंगे, जिसका भी असर मार्केट पर देखने को मिलेगा। डोमेस्टिकली मंथली ऑटो सेल्स नंबर आएंगे, जिसका इम्पैक्ट ऑटो स्टॉक्स के साथ साथ ओवरऑल मार्केट पर देखने को मिलेगा। वहीं मार्केट की नज़र COVID-19 के केसेस पर बनी रहेगी। केसेस में गिरावट तो देखने को मिल रही है, बट डेल्टा वेरियंट एक चिंता का विषय बना हुआ है। नाउ कम टू रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की हमारी टॉप पिक है टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो अभी 480 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ 460 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 520 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। टू गेट मोर रिकमेंडेशंस फ्रॉम स्वास्तिकास अवार्ड विनिंग रिसर्च टीम, सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड ओपन अ डीमेट अकाउंट विद स्वास्तिका। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।